हेलो। अच्छा बाहर हो अभी? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। जी नमस्ते, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग रहने वाला है ये एक अनबॉक्सिंग व्लॉग रहने वाला है, इसमें कि मैंने डिकैथलॉन से कुछ सामान मंगवाया हुआ था जो कि अभी डिलीवर हो चुका है और अभी मैंने इसकी बॉक्स को ओपन कर लिया था चेक करने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये अभी कुछ इस तरह के बॉक्स में आया है सामान और क्या मंगवाया था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सो बने रहिए। तो ये है अभी बॉक्स जो कि मैंने ओपन कर लिया है, तो अभी करते हैं ओपन आपके सामने। तो सबसे पहले ये है एक जैकेट जो कि अपने पाउच में ही पैक भी हो जाती है और ये बहुत ही लाइट वेट जैकेट है जो कि डिकैथलॉन वाले स्टोर में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन में तो ये बताया हुआ था कि -5 डिग्री तक झेल सकती है, बाकी तो जब इसको यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी हम मान सकते हैं कि -5 नहीं 0 डिग्री के टेम्परेचर तक तो यूज़ कर ही सकते हैं। सो वो अभी खोलते हैं। तो ये जिप दी हुई है, खोलेंगे जैसे तो इसके अंदर से निकल जाएगी जैकेट। जैसे कि ये आप लोग अभी इससे पता लगा ही सकते हैं कि बहुत ही लाइट वेट है। ऐसे लग तो नहीं रहा है कि ये -5 डिग्री तक झेल पाएगी, लेकिन गर्म तो है यार, काफी गर्म है। इसका वेट मुझे तो लगता है कि 500 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसको हम पैक अगर करेंगे तो इसकी लेफ्ट पॉकेट में ये पैक हो जाती है। चलो वो मैं बाद में कर लेता हूँ। इसके बाद आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे जो कि इसी के साथ मैंने मंगवाया था, क्योंकि जो डिलीवरी चार्जेस थे वो काफ़ी हाई थे, तो मैंने सोचा कि लेने ही हैं शूज़ तो ले ही लेता हूँ। सो डिकैथलॉन के स्टोर पर जो बजट फ्रेंडली शूज़ हैं वो यही है NH 100, जो कि मैंने एक बार यूज़ भी कर लिए हैं और अभी तक तो अच्छे ही चल रहे हैं, और मैंने और मेरे दोस्तों ने भी यूज़ किए हैं ये, तो मुझे ट्रस्ट ही है कि चल ही पड़ेंगे। वैसे कंपनी तो दी है 2 साल की वारंटी इसके साथ कि 2 साल तक चलेगा ये, लेकिन अगर 1 साल भी चल पड़े तो वर्थ है। शूज़ की अभी कुछ टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो शूज़ का ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, तो ट्रैक पे ऐसी शूज़ की जरूरत होती है जिनकी ग्रिप अच्छी होती है, नहीं तो कहीं भी लूज डिपॉजिट कुछ भी हो वहाँ से स्लिप हो सकते हैं। सो जो शूज़ को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया है वो भी ना ही क्लोथ है और ना ही कुछ और सा लग रहा है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि वाटर रेजिस्टेंट तो है ही, वाटर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है ये शूज़, कोई ये सोच के ना ले कि वाटर प्रूफ है, ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट ही है। थोड़ा बहुत पानी जो होगा वो झेल लेगा छोटी मोटी बारिश, लेकिन ज़्यादा बारिश में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। सो ये एक बिल्कुल ही बिगनर लेवल का शूज़ है ट्रैकिंग के लिए, और हाँ स्पेशली गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ब्रीथेबल मटेरियल लग रहा है मेरे को, तो उतनी ज़्यादा होगी नहीं गर्मी इन शूज़ में। और ये जो शूज़ हैं ये डिकैथलॉन की ऐप पे 1500 के करीब मिल जाते हैं इजीली, और शायद 200 रुपये इसका डिलीवरी चार्जेस होगा, जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है या नहीं वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब मैंने किया था तब ये 200 के डिलीवरी चार्जेस थे। और ये जो जैकेट मैंने बाई की है ये मैंने क्लियरेंस सेल से बाई की हुई है, जिसका कि ओरिजिनल प्राइस अराउंड 3000 की है, लेकिन ये क्लियरेंस सेल में मुझे 1000 की मिल गई, जो कि बहुत ही ग्रेट डील थी मेरे लिए। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रिव्यू क्यों कर रहा हूँ इन चीज़ की शूज़ और जैकेट की, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे कुछ प्लान्स हैं अभी ट्रैक के, जो कि अभी 2-3 हफ्ते बाद के हैं, अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन है तो उन आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा कंटेंट आने वाला है। सो बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ऐसे हैक्स जो होंगे शॉपिंग हैक्स वो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्लियरेंस सेल कब आया, और अभी भी ये शायद क्लियरेंस सेल में है, अगर किसी को लेना है तो ले
सकता है डिकैथलॉन की ऐप से। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ही जाना।